गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मनाली से सोलांग वैली के लिए। तो कल हम गए थे मनाली से सिसु की तरफ, तो सिसु से हम वापसी पे सीधा कोकसर निकल गए थे, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया वहाँ, तो हम सोलांग वैली कल नहीं घूम पाए। तो आज हम निकल रहे हैं सोलांग वैली के लिए। चलो जी, चले फिर अपना सोलांग वैली की तरफ भोलेनाथ जी का नाम लेके। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो जी सोलांग वैली कितना जी? 3 किलोमीटर। आज तो धूप पूरी खिली हुई है जी। जैकेट कहाँ डलेंगे आज? नहीं जैकेट डलेंगे। जो सिसु में थी ना ठंड, वो यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तो जर्सी भी ना उतारनी पड़ेगी यहाँ पे। पहुंच गए हैं सोलांग वैली में। यहाँ से एंट्री है, रश तो है। लेकिन स्नो वगैरह नहीं है यहाँ पे अभी, वो ऊपर है पहाड़ों में। ये देखो याक, याक एटी राइड्स। ये सब एटीवी राइड्स खड़ी हैं। वो सामने है सोलांग वैली रोप वेज। यहाँ पे अभी रश तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है रश, ठीक है। तो इधर देखते हैं क्या ये स्नो का कुछ बना हुआ है। ये क्या है, ये क्या बना जी? फोटो पॉइंट है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? वेलकम स्नो पॉइंट सोलांग वैली कुल्लू मनाली। आज की डेट हम साथ साथ हैं। आज की डेट का? अच्छा, आज की डेट का है। अच्छा, डेट है यहाँ पे, ये 22/12/2022। तो ये क्या मतलब आपने बनाया? हाँ, बनाया, पैसे लेता। अच्छा, ये है मतलब उसका स्नो का बना हुआ है। अच्छा, ये हार्ट है। तो यहाँ अगर किसी ने फोटो खिंचवाना है तो पैसा लेता है? कितना पैसा लेता है? 50 रुपीज। कितनी मर्जी फोटो खींचो। अच्छा, जा रहे हैं अभी पहले अंजनी महादेव। तो ये चल रहे हैं अपने घोड़े बिल्कुल सोलांग वैली के पास से, यहाँ से रास्ता निकलेगा।
जय अंजनी महादेव। पहले हम आए थे अंजनी महादेव फरवरी के महीने में, हो गए 2 साल, तो तब तो काफ़ी स्नो था, तब बहुत स्नो था, अब स्नो नहीं होगा, लेकिन तब हम गए भी एटीवी राइड पे थे, और ये इस बार हम जा रहे हैं घोड़े की सवारी, घुड़सवारी करते हुए। चलो इसका भी आनंद लेना चाहिए, क्यों जी? घुड़सवारी का भी आनंद लेना चाहिए, अब इस बार घुड़सवारी का आनंद ले लेते हैं। नाम तो बड़े जबरदस्त हैं। ये आगे आगे चल रहे हैं रिजेश भाई का घोड़ा, और ये अपना, इसका नाम क्या बताया था मेरे वाले का? बादल। ये बादल, और पीछे वाले का? और ये पीछे सुशील भाई का घोड़ा, ये शेरू। ये है शेरू। ये सर के थ्रीलो पहाड़ से, ये पत्थर कहाँ से आता है? ये वाला करके ऊपर से गिर के आ रहा है, है? अच्छा पार्किंग है, अच्छा चलो जी बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। वो उधर से भी लाइन आ रही है घोड़ों की, एक वो आ जी, वाह, वो ऊपर माउंटेन्स पे स्नो दिख रही है, और इस साइड ये देवदार के पेड़ छावा इस तरफ, लेकिन इस तरफ तो ओ बीच बीच में है स्नो यहाँ भी, और ये साइड तो बिल्कुल खाली है, और वो सामने है स्नो पूरी, वो दिख रही है। आ रहा जी, मजा आ रहा है, मजा मजा आ रहा जी। एक बार बम बम बोले बोल दो फिर, बम बम। वो सामने से एटीवी राइड आ रही है, अंजनी महादेव जाने के लिए या तो एटीवी राइड है, और या फिर घोड़े से पहुंचा जा सकता है, पैदल ट्रैकिंग करके भी कई लोग जाते हैं। ये रास्ता है जी, पथरीला रास्ता, पत्थरों से भरा हुआ चारों तरफ। ये देखो, घोड़े से या एटीवी राइड से यहाँ पहुँचा जा सकता है, मज़ेदार रास्ता है, पथरीला है चाहे, लेकिन यहाँ पे एकदम शांत है, शांति है पूरी, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ घोड़ों के चलने की आवाज़ आ रही है, जब बीच बीच में कोई एटीवी राइड वाला आ रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, और मस्त धूप खिली हुई है इस वक्त, ऊपर के पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल हुआ, हवा में अभी भी ठंडक है, घोड़े अपनी मस्त चाल चल रहे हैं, और हम मज़े से उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं अंजनी महादेव की तरफ। ये एक और एटीवी राइड आती हुई है। ये राजेश भाई, पहले जब हम चलने लगे तो उतर गए थे घोड़े से, बैठ के उतर गए, कहते मैंने नहीं जाना, डर लगता है घोड़े पे, और अब जब थोड़ा चल रही है ना तो अब कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है। चलो जी, बम बम बोले, जय अंजनी महादेव, जय भोलेनाथ, पहुंचने वाले जी। चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये वाला एरिया, और इस कारण से यहाँ पे ठंड एकदम से बढ़ गई है, इसलिए हम अपनी जैकेट्स वगैरह साथ लेके आए थे, कि हमें बताया गया था कि ऊपर एकदम से ठंड हो जाएगी। अब ये हमें वहाँ पे उतार देंगे, वहाँ से पैदल चलेंगे, फिर पैदल जाना, पैदल पैदल रास्ता है वहाँ से। लो जी, हमारा स्टॉप आ गया, यहीं उतर जाएंगे, और इसके बाद चलेंगे पैदल वो ऊपर तक। चलिए वो ऊपर चले, जय भोलेनाथ। ये रास्ता है जी, हैं? हाँ, ये जिप लाइन हो रही है। चलो जी, जगह जगह आग जलाई हुई है। Yeah.
वहाँ तक जाते हैं। हाँ ऊपर तक जाते हैं तो ऊपर जाके जूते उतारते हैं। थोड़ा जैसे वो दिख रहे ना ये बंदे आ रहे हैं आगे। हाँ हाँ वहाँ पर उतारना पड़ेगा आपको सर। अच्छा लिखा होगा जूते उतारते हैं। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ। तो ये मंदिर है जी अंजनी महादेव का। यहाँ से जाएंगे हम। वो सीढ़ियाँ जा रही हैं साथ में और वो ऊपर जाना है। वो सामने शिवलिंग बर्फ का शिवलिंग है वहाँ पे। वो वहाँ जाएंगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ। आ जाओ राजेश। आ जाओ आ जाओ। बम बम बोले जय अंजनी महादेव। ये देखिए इधर ये सारी आइस। ये तो आइस ही बन गई अब स्नो की। ऊपर से स्केट करते आते हैं लोग। यहाँ चल रही है ये सीढ़ियाँ। वो ऊपर जाना है वो वहाँ तक। वो आ रहा है ना ऊपर से चरना। वहाँ से पानी गिरता है तो वो बन रहा है वहाँ पे अभी। ये और बड़ा हो जाएगा जैसे जैसे स्नो पड़ेगी। इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अपने आप बनता है प्राकृतिक। तो वहां तक चलते हैं। चलो ऊपर तक चलते हैं। वहां जाएंगे ऊपर सीढ़ियां चढ़ के। वो लिखा जी यहाँ जूते उतारने पड़ेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आ जाओ जी। वो ऊपर तक जाएंगे। वहाँ है प्राकृतिक हिम शिवलिंग जो बनता है वहाँ चले। और ये सारा बर्फ का ये देख जम गया ये सारा। नीचे को आ रहा है और ये सारा जम गया। चलो तुम्हें आइस जमी हुई है ये देखिए सारी। आइस जमी हुई है। जय हो। जय भोलेनाथ। जय भोले। यहाँ से नीचे का नजारा देखो जरा। जय बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान। जय नंदीगण। वो ऊपर से आ रहा है पानी। ओ वहां से आ रहा है पानी। वो गिर रहा है नीचे और इसी पानी से ये प्राकृतिक हिम शिवलिंग जहाँ पे बनता है इसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में। ये सिक्का जो श्रद्धालु यहाँ चढ़ाए थे वो सभी स्नो के बीच में आइस बन गया उसके नीचे जम गए हैं।
चलो जी ऊपर है मंदिर, ऊपर तक चलते हैं। बाबा जी क्या स्टोरी है यहाँ इस मंदिर की? अंजनी माता तपोस्थली है और जो शिवलिंग है हाँ। वो सहस्त्र धारा में शिवलिंग और स्वयंभू है, वो जगह तपोस्थली आज भी रहेगी, उनका तप आज भी चलता रहेगा। अच्छा तो इस जगह का चिरंजीवी में आते हैं ना हनुमान जी। अच्छा हाँ चिरंजीवी है अमर और चिरंजीवी में आते हैं तो उनकी माँ के प्राण उनके पास में ही रहेंगे। तो इस जगह का नाम अंजनी महादेव कैसे पड़ा होगा? अंजनी माता का तपोस्थली है, पहले संत हो गए। अच्छा ये वाले स्वयंभू शिवलिंग है ना? हाँ हाँ हाँ। ये स्वयंभू है, इससे पहले शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग बाद में रखे गए। अच्छा अच्छा, जिससे सहस्त्र धारा में लोगों को समझ में आ जाए जब नहीं होता है उस वक्त महादेव का सम्मान हो इस हिसाब। हाँ 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 हाँ, उसकी आराधना उसके लिए जब तप किया जाता है सब सही हो जाएगा। संसार में सही सही होगा तो अपने जीवन में भी सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जय भोलेनाथ। देव के ऊपर जाके वो शिवलिंग जो है प्रकृति हिम शिवलिंग, वहाँ दर्शन करने के बाद ये मंदिर है अंजनी महादेव का, वहाँ पे माथा टेका और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए अंजनी महादेव के और ये जगह बहुत ही पवित्र और शानदार है जगह। ये मतलब इतना सुंदर है नज़ारा यहाँ का ना कि कोई भी अगर यहाँ आता है, बिल्कुल सोलांग वैली है ना, जो सोलांग वैली के पास से रास्ता निकलता है तो मज़ा आ गया यहाँ के, यहाँ आके और जो दर्शन किए हैं भोले बाबा के ऊपर प्रकृति की हिम शिवलिंग के, मज़ा आ गया। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बम बम भोले। चलो जी चलते हैं वापस। वो है शिवलिंग, हिम शिवलिंग, वहाँ से दर्शन करके नीचे आए हैं और यहाँ पे है माथा टेका अंजनी महादेव मंदिर। अब जा रहे हैं वापस, अब नीचे जाके अपने घोड़े देखते हैं कहाँ खड़े हैं। तो पैदल रास्ता जो है पूरा करके वो चलेंगे घोड़े पर, फिर आगे घोड़े से सफ़र होगा। यहाँ पे ये रॉकेट बंजी, जिप लाइनिंग, ये एडवेंचर गेम भी होती है और ठंड बहुत है यहाँ पे। और वापसी पे हैं, अभी रास्ते में हैं और यहाँ ये मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा और चाय का आनंद आएगा अपने ही। चलो जी अब घोड़े पे आ गए हम वापस और चल पड़े हैं नीचे के लिए। बॉडी बैट पीछे को, पैर आगे को। पोज हो रही है जी ऊपर सिप लाइनिंग।
हट। हाँ जी मजा आ रहा है जी। पीछे सुशील भाई है, उसे पीछे राजेश भाई, पीछे पीछे आ रहे हैं उनके घोड़े। चलो सामने पार्किंग है, कहते हैं कि सीज़न जब होता है तो तब वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगती हैं। वो सामने एडवेंचरस राइड है जो अपना अंजनी महादेव तक है। यहाँ आसपास पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, तो धूप यहाँ कम ही आती है, बिल्कुल शाम है यहाँ पे, और उस साइड देखो पूरी धूप खिली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। वो है सामने कार पार्किंग, अभी तो कम ही गाड़ियाँ लगी हैं, जब ज़्यादा स्नोफॉल होगा तो फिर कहते हैं कि यहाँ पे पार्क करवाते हैं। सारा पत्थरों से भरा पड़ा ये एरिया। ये और ये चल रहा है अपना घोड़ा मस्ती से बादल। ये है पार्किंग एरिया जो सामने दिख रहा है, ये देखो। वो नीचे तक जाना है हमने, काफी ऊपर से आए हैं। यहाँ ऐसे लगता है ऊपर आके कि दिन जल्दी ढल गया है, लेकिन एक्चुअल में टाइम 3:30 का होगा टाइम लगभग, और यहाँ तो एकदम ऐसे लगता है दिन ढल चुका है, शाम हो गई है। ये ये है जी, यहाँ ये सारे घोड़े दिख रहे हैं ना, यहीं से आए होते हैं ऊपर जाने के लिए। ये आ गए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये। और वो सामने वो मेन रोड जा रही है, गाड़ियाँ वगैरह वहीं लगी हुई है। और ये सामने क्या लग रहा है आसपास का, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये देखो ये सारे घोड़े, बस ओके अब यहीं उतरेंगे हम इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हो रही हैं, एक तो ये रोपवेज है, और ये है पैराग्लाइडिंग हो रही है, और घुड़सवारी है, एटीवी राइड है। तो एटीवी राइड हमने पहले कर रखी थी, तो इस वक्त इस बार हमने घुड़सवारी करी है, वो करी है हमने यहाँ से अंजनी महादेव तक। तो ये तो हम जो रोपवेज है ये पहले हम ये ऊपर जा चुके हैं रोपवेज से, और पैराग्लाइडिंग पहले कभी कर रखी है, तो इसलिए हम ये दोनों एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये सोलांग वैली का एक व्यू देखिए, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे वापसी। Thank you.
और जी फिर चले वापस जी। हाँ जी आप चलते। ओके जी चलो जी बाय बाय सुलांग वैली।